हाँ जी बच्ची, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यूटिलिटी इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। मतलब क्या है कि कोई भी एक कॉमोडिटी है, उसके अंदर एक पावर होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है जिससे कि आपकी वांट्स सेटिस्फाइड होती है। लाइक चपाती आपके आपके जो हंगरी आप फील करते हैं उसको सेटिस्फाइड करता है। आप स्वीट्स खाते हैं तो आपकी कोई वांट्स है वो उसको सेटिस्फाइड करता है। तो एक कॉमोडिटी के अंदर क्या होता है, एक पावर और कैपेसिटी होता है जिससे कि आपकी वांट सेटिस्फाइड हो। तो जो कम्युनिटी के अंदर पावर और कैपेसिटी हो, उस पावर और कैपेसिटी को ही उस कम्युनिटी की यूटिलिटी बोलते हैं हम। और इसका एक इजी लैंग्वेज में, अगर इजी वर्ड में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ तो सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी मीन्स क्या है, सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? तो आप जब कोई कम्युनिटी कंज्यूम करते हो तो उससे जो रिसीव करते हो तो उसको आप कैसे बोलते हो, मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो आज का चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी एक क्लास हो चुकी है, क्लास नंबर सेकेंड है। चैप्टर का नाम है यूटिलिटी, और आप एक इजी वे में आप इसको सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। अब सेटिस्फेक्शन को तो अभी तक आप लोगों ने ऐसे ही एक्सप्रेस किया है कि भाई मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ हूँ, कम सेटिस्फाइड हुआ हूँ, या नहीं सेटिस्फाइड हुआ हूँ। उसको आपने आज तक कभी भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया है। जैसे कि आप क्लासेस की टाइमिंग को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हैं कि सर 40 मिनट्स की क्लासेस हैं, 40 मिनट्स न्यूमेरिकल में आपने एक्सप्रेस कर दिया। सर 1 आवर की क्लासेस हैं, इसको भी आपने क्या किया, 1 आवर में आपने इसको न्यूमेरिकल 1 में एक्सप्रेस कर दिया। तो टाइम को भी आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो, डिस्टेंस को भी आप एक्सप्रेस कर देते हो, सर 2 किलोमीटर से आया हूँ, सर 50 मीटर से आया हूँ, इसको भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर दिया। वेट को भी आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो कि 5 kg है, 10 kg है, 8 kg है, 50 kg है, 60 kg है। हाइट को भी आप मेजर कर देते हो न्यूमेरिकल फॉर्म में। हर चीज़ को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हैं, बट आज तक आपने कभी भी सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया। अब मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं किया, तो आप ये कहते हैं सर क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक तो फीलिंग है ना, फीलिंग को न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस करें। तो भाई टेम्परेचर, वो भी तो एक फीलिंग है, कितनी ठंड लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है, कि दिखता है आपको वेदर में, लेकिन उसको भी तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं हम कि आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर है, -5 डिग्री टेम्परेचर है। तो जब हर चीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, तो सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि सर हम किसी कम्युनिटी से कितना सेटिस्फाइड हुए हैं, हमें कितना सेटिस्फेक्शन हमने रिसीव किया है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारी वांट्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपको प्यास नहीं लग रही है, आपको एक ग्लास वाटर ऑफर करूंगा, उसको पीने के बाद आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको प्यास बहुत तेज लग रही है, वही सेम एक ग्लास वाटर आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा। तो सेम चीज़ आपको एक टाइम पर सेटिस्फाइड नहीं भी कर रही है, और एक टाइम पर आपको सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा भी कर रही है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर आपको इसकी नीड नहीं है, एक टाइम पर आपको इसकी नीड है। तो बेसिकली सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिलेगा किसी कम्युनिटी से, डिपेंड किस पे करता है, उस कम्युनिटी पे या आपकी वांट्स पे? वांट्स पे। और सबकी वांट्स क्या सिमिलर होगी? इस समय हम सबको जो प्यास लग रहे हैं वो सबको क्या इक्वल लेवल पे है? जो हमें भूख लग रही है सबको क्या इक्वल लेवल पे है? तो एक सेम चपाती हम सबको डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल देगा, क्योंकि हम सबकी वांट्स क्या इस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट है। एक ग्लास पानी हम सबको डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए सेम कम्युनिटी पर्सन टू पर्सन उसकी वांट्स पे वेरी करता है, इसलिए कभी किसी कम्युनिटी से कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। लाइक डिस्टेंस सबके लिए 1 किलोमीटर उतना ही है बच्चे, 1 आवर सबके लिए उतना ही है, -2 डिग्री टेम्परेचर हम सब वैसे ही फील करेंगे, है ना? तो इसलिए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सबके लिए सेम ही रहती है, इसलिए उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हम सेटिस्फेक्शन लेवल को कभी भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हमें इस चैप्टर का नाम ही सेटिस्फेक्शन है, तो बहुत कुछ समझाना भी है, समझाने के लिए बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा। अब लिखूँ कैसे जब उसको लिखा ही नहीं जा सकता? तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे, है ना? अजम्पशन लेकर के देखेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्राइम पेट्रोल, ऐसे कुछ सीरियल आते हैं जो कि रियल स्टोरी बेस्ड होते हैं, लेकिन जो स्टोरी तो रियल है, लेकिन जो उस स्टोरी को प्ले करने के लिए हम एक अजम्पशन ले लेते हैं ना कि ये जो एक्टर एक्ट्रेस है, ये पुलिस है, ये सब के सब क्या है, एज अ रियल हम अजम्पशन लेके देखते हैं, तो हमें वो स्टोरी समझ में आ जाता है। लेकिन वो मुझे मालूम है वो कैरेक्टर जो है वो ओरिजिनल वो नहीं है जिनका जिनका मर्डर हो गया, ये वो नहीं है जिन्होंने मर्डर करा, वो सब एक्टर एक्ट्रेस हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या आपकी स्टोरी फेक हो जाएगी? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम अजम्पशन लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, वो मतलब नहीं है। समझाने के लिए अजम्पशन ले लेते हैं कि हाँ सेटिस्फेक्शन लेवल को भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है वेट को केजी में कर देते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में कर देते हैं, टाइम को आवर मिनट सेकंड में कर देते हैं, हर चीज़ को कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं जिसमें उसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप कह रहे हो कि सेटिस्फेक्शन लेवल को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे? तो उसको यूटिल्स में करेंगे। कुछ पूछना है? वो एक अलग चीज़ हो गई है, उसका मतलब इससे कोई रिलेटेड नहीं है, उसको भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हम नहीं करते हैं क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर लाइक उसको हम कर लेते हैं, फीवर वगैरह को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो बच्चे यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हर चीज़ के लिए एक यूनिट है, बट सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो यूनिट्स है उसको आप क्या बोलेंगे? यूटिल्स बोलेंगे। तो सेटिस्फेक्शन मीन्स यूटिलिटी, इसको किस में एक्सप्रेस करोगे? यूटिल्स में। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करोगे, न्यूमेरिकली में क्या लगाओगे वर्ड उसके लिए? यूटिल्स। लाइक मैं एक आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला, अब कितना मिला? न्यूमेरिकली आप कुछ भी बोल दो, 30 यूटिल्स बोल दो। अब बच्चे जब मुझे कोई एक्टर ही लाना है तो मैं शाहरुख खान लाऊँ या सलमान खान लाऊँ, उससे मेरी स्टोरी का क्या बिगड़ जाना है? तो जब मैं अजम्पशन ही लिया है तो नंबर आप कोई भी लट कर सकते हो, इसमें वो नहीं है जो किताब में लिखा वही नंबर चलेगा या जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वही चलेगा, आप अपनी तरफ से भी अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है? तो आइए, मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप देखिएगा, आपको सबसे पहले एक समझना होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके बाद डिमिनिशिंग का नेचर तो आपको पता ही, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? गिरना। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? गिरना। और लॉ का मतलब तो मालूम है, सिद्धांत, नियम। नियम ऐसे लॉ है, क्या दिन में रोशनी रहेगी और रात को अंधेरा रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ है। बट लॉ क्या होता है कि जो जनरली फॉलो होता है उसको लॉ बोलते हैं, बट कभी कभी वो चीज़ें लॉ भी कभी कभी फॉलो नहीं हो, दिन में भी अंधेरा हो जाता है कई बार, हाँ। तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। क्या हो गया? वो एक्सेप्शनल केस हो गया। क्लियर है? बट जनरली लॉ क्या है? तो हम पढ़ेंगे लॉ, एक ऐसा सिद्धांत, एक नियम पढ़ेंगे हम, जो कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर एक नियम है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या है इसको एक न्यूमेरिकली एग्जांपल से हम समझेंगे। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे बच्चे इसको हम। लाइक आप है ना आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप एक आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो। अब आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है, लाइक 1, 2, 3, 4 कितनी आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप एक आइसक्रीम, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा? क्यू से। अब लाइक जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल, और इस आइसक्रीम से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जो सेटिस्फेक्शन लेवल आप रिसीव करते हो ना उसको क्या बोलोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। एक आइसक्रीम खाया जितना मजा आया, लेकिन सिंगल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, ये नहीं आप सारा बताओ कि भाई मेरे को उस सुबह से अभी तक मुझे इतना मज़ा आ गया कुल, ये नहीं। अभी जो आपने कंज्यूम करा है, ये आइसक्रीम जो कंज्यूम करा इसने कितना मज़ा दिया, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जो सेटिस्फेक्शन, जो मज़ा आया, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम यू से। चलिए बच्चे, फर्स्ट आइसक्रीम आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, लेट कर लो कितना मिलेगा? 10, ठीक है ना। हम इसको किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, या तो सबके आगे बार बार लिखो यूटिल्स 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 यूटिल्स, एक बार ऊपर डाल दो यूटिल्स, मतलब सब कुछ यूटिल्स में एक्सप्रेस है, ठीक है। वन आइसक्रीम कंज्यूम किया है, इस वन आइसक्रीम से आपको 10 यूटिल्स मिला। आप एक और आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, सेकेंड आइसक्रीम, सिर्फ सेकेंड की बात करोगे, अब फर्स्ट वाले की बात मत करो। सेकेंड से जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा, मिलेगा
तो वो क्या इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा या इससे कम मिलेगा? कितना मिलेगा? इससे कम मिलेगा। कम कितना मिलेगा? 8। चलो आप 8 ड्यूटीज। अब आप मुझे बताओ कम क्यों मिला? आइसक्रीम वही है, क्वालिटी वही है, प्राइस वही है, कस्टमर वही है, टाइम वही है, सब कुछ वही है। पहले आपकी वांट्स ये थी, एक आइसक्रीम कंज्यूम किया, अब आपकी वांट सेटिस्फाइड हुई है, तो आपकी वांट्स अब रिड्यूस हो गई है। और आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो आपकी वांट्स पर डिपेंड करता है। जब आपकी वांट्स पहले जितनी है ही नहीं, तो वो सेम कम्युनिटी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल पहले जितना देगा ही नहीं। क्लियर है बच्चे? चलो थर्ड आइसक्रीम अगर आप कंज्यूम करोगे तो 6, 4 करोगे तो 5 करोगे तो, जरूरी नहीं 2-2 का गैप हो, आप 7 कर दो, आप 7.5 कर दो, मतलब रिड्यूस होगा। मेरा कहने का मतलब बस ये है, एग्जांपल आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। 6 पे एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई आपकी वांट्स पूरी सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो अब आपको उससे कुछ मजा नहीं आएगा। होता है ना बच्चे, आप घर पे भी खाना खाते हैं तो खाते खाते टाइम रुकते हो ना, क्या मतलब है कि आपकी वांट सेटिस्फाइड हो गई है, अब आपको उससे कुछ मजा नहीं आ रहा है। पानी भी पीते तो पीते पीते टाइम पे रुकते हो ना, क्योंकि आपकी वांट सेटिस्फाइड हो गई, आपको मजा नहीं आ रहा, मतलब जीरो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आपने कंजम्पशन फोर्सफुली कर लिया किसी दोस्त यार कहने पर, नहीं यार आपको तो खाना ही होगा, तो आपके हेल्थ पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। उसको बोलते हैं हम डिसयूटिलिटी, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सिर्फ आइसक्रीम के साथ में या कोई भी कॉमोडिटी आप अगर उसका कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन करोगे, तो नेक्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फॉल होगा। सिर्फ आइसक्रीम के साथ में या किसी के साथ में भी ऐसा होगा? अगर कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन करोगे तो जो नेक्स्ट यूनिट से सेटिस्फेक्शन लेवल ड्राइव्ड होगा वो क्या होगा? डिमिनिशिंग होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये लो है या नहीं है? अगर ये लो नहीं होता तो हम कभी रुकते नहीं, खाना खा ही रहे होते। अभी मैं खाना खा के पढ़ा रहा होता, आप भी खा के पढ़ रहे होते, है ना बच्चे? क्लियर है? तो ये क्या है हमारा? एक लो है। तो देखो लो किसका है? ये डिमिनिशिंग है क्या? आप इसको बोलोगे क्या? इसको आप बोलोगे डिमिनिशिंग, गिरता हुआ है। क्लियर है? और क्या डिमिनिशिंग? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। समझ में आया क्या है? क्लियर है बच्चे? समझ में आया बच्चे? डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, ओरिजिन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी वाई एक्सिस और मार्जिन यूटिलिटी। ये देखो मार्जिन यूटिलिटी डायग्राम ऐसा बनता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बनता है, वैसा क्यों नहीं बनता, है ना, ऐसा क्यों नहीं बनता? ऐसे बहुत सारी लाइन हो सकते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो। ये हो सकता है लाइन, ये हो सकता है लाइन, ठीक है ना, ये हो सकता है लाइन, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही क्यों फोकस कर रहे हो कि MU डायग्राम ये बनता है? इस लाइन में से क्या खास बात है जो MU रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी लाइन क्यों नहीं कर सकती है? आइए उसके पीछे रीजन समझते हैं। क्या समझा अभी आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में? कि अगर आप नेक्स्ट यूनिट कंजम्पशन करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका गिरेगा। ये तो वाई एक्सिस है, ग्राफ का जितना ऊपर जाओगे डेटा उतना बढ़ता है, एक्स एक्सिस जितना राइट में जाओगे डेटा उतना बढ़ता है। चलो देखो, फर्स्ट यूनिट पे आपका ये MU लेवल है, ठीक है बच्चे। एंड एक यूनिट का और कंजम्पशन करोगे तो MU लेवल देखो, कर्व को टच करते ही आपको आ जाना है इधर। तो MU लेवल बढ़ा या कम हुआ? पहले यहाँ था आपका, अब आप यहाँ पर आ गए। चलो एक और कंजम्पशन कर लो, यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाओ, नेक्स्ट यूनिट से सेटिस्फेक्शन लेवल आपका क्या हुआ? पहले ज़्यादा हुआ, पहले से कम हुआ? पहले से कम हुआ। तो यही तो पढ़ा है थ्योरी में आपने, कि जैसे जैसे आप यूनिट का कंजम्पशन करते जाओगे वैसे वैसे नेक्स्ट यूनिट से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होगा। इससे इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है बच्चे। और एक टाइम पर आपने ये भी पढ़ा क्या, कि एक टाइम पर ऐसा आएगा कंजम्पशन करते करते कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ज़ीरो मिलेगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा उसके बाद भी कंजम्पशन करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। पढ़ा ना आपने?
तो इसलिए एमयू का डायग्राम ऐसे बनता है। बोलोगे सर इस पर टच क्यों नहीं करते? अरे भाई टच कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो कमिटी कंजम्पशन पर आप बता रहे हो मुझे इतना मजा आया। जब भाई आपने उसको कंजम्पशन ही नहीं करा तो कैसे बता सकते हो कि सर्टिफिकेशन मतलब इतना मिल गया उस पर? ऐसे तो बोल दो भाई फरारी कार चला गया बड़ा मजा आया सर मुझे, ये कब चला लिया? क्या सर बस आ गया। अब भाई जब यूज़ करोगे तभी तो सर्टिफिकेशन बताओगे, क्लियर है? समझ में आया आपको? इसलिए कभी भी इसको वाई एक्सिस पर टच नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आया बच्चे? क्लियर है? चलो अब इसको आप क्या करो, नोट करोगे? नोट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो बच्चे थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी जरा समझते हैं। द लॉ स्टेट्स, ये नियम बताता है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी, जैसे जैसे आप किसी कम्युनिटी के यूनिट्स का कंजम्पशन करोगे, आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ए सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। अगर वन मार्क्स में आ जाए तो ये इतना डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? थ्री मार्क्स में आ जाए तो इसमें एक एग्जाम्पल चिपका देना है। एग्जाम्पल क्या चिपकाओगे? सपोज अ हंग्री मैन वॉन्ट्स टू ईट द फर्स्ट चपाती विच ही ईट्स विल गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, से 100 यूटिल्स। क्लियर है? जैसे कि अगर आपके पास में एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है फर्स्ट चपाती, उसको 100 यूटिल्स मिला, सेकेंड चपाती विल ऑल्सो फैच हिम द यूटिलिटी, दूसरी चपाती भी देगा बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट वन बिकॉज अ पार्ट ऑफ हिज हंग्री इज सेटिस्फाइड बाई ईटिंग द फर्स्ट चपाती। सपोज ही गेट 80 यूटिल्स फ्रॉम द सेकेंड चपाती फॉर द सेम रीजन, लेट यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड चपाती बाय 50 यूटिल्स एंड फ्रॉम द फोर 25 यूटिल्स, इट इज जस्ट पॉसिबल ही मे गेट जीरो यूटिलिटी, संभावना है कि जीरो सेटिस्फेक्शन मिले उसको। द फिफ्थ चपाती बिकॉज हिज स्टमक इज फुल नाउ एंड नेगेटिव यूटिलिटी फ्रॉम द सिक्स वन। क्लियर है बच्चे? एनी रैशनल कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम एडिशनल चपाती वेन इट्स गिव इन द डिस यूटिलिटी। अब आप कोई भी रैशनल समझदार कंज्यूमर, तो भैया जब उसको डिस यूटिलिटी पता है कि भाई मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसको, तो समझदार कंज्यूमर तो नहीं खाएगा, ठीक है? इन शॉर्ट अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी, इंटेंसिटी ऑफ हिज वांट्स फॉर दैट कम्युनिटी गोज ऑन फॉलिंग, फेलिंग करते फॉलिंग एंड द पॉइंट ही रीच वेन ही वांट्स टू मोर यूटिल्स ऑफ इट। द टेंडेंसी इट्स ऑल्सो सस्टेंड बाय द टेबल इन विच, टेबल एक बनाया हुआ है, टेबल आप कुछ ही बना दो, जरूरी नहीं यही बनाओ, जो मैंने बनाया वो बनाओ, जो आपके माइंड में है वो बनाओ, गिरता हुआ दिखा दो बस, जीरो नेगेटिव कर दो, डायग्राम बना दो, नंबर डालने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बनाया डायग्राम वैसे बना सकते हो, बट स्केल यूज़ करना है आपने। क्लियर है?